रावण, आ रहा हूँ न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। आ रहा हूँ अधर्म का विध्वंस करने। आ रहा हूँ अपनी जान की को ले जाने। 2023 की सबसे बड़ी फिल्म आदि पुरुष, जिस फिल्म को रिलीज होने में आप समय बचा है सिर्फ 1 हफ्ते का, लेकिन 1 हफ्ते पहले ही फिल्म ने एडवांस बुकिंग से जो कमाई की है वो पूरी तरह से कमाल की है। साथ ही साथ दोस्तों, कल रिलीज होने जा रही है इंडियन सिनेमा के असली एक्शन सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा, और इस फिल्म की भी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और इस फिल्म ने भी एडवांस बुकिंग में एक तरह से अच्छी खासी कमाई कर ली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आदि पुरुष और गदर एक प्रेम कथा के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। वही पिछले हफ्ते रिलीज हुई विक्की कौशल और सारा अली खान की फिल्म जरा हटके जरा बचके के शुरुआती 7 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे इन सभी फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करें पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म जरा हटके जरा बचके के बारे में, जिस फिल्म में विक्की कौशल के साथ पहली बार देखने को मिली थी सारा अली खान। 35 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आज कंप्लीट हो चुके हैं 7 दिन यानी कि 1 हफ्ता, और फिल्म ने पहले हफ्ते में उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर कमाई की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों के वीकेंड में 22 करोड़ 60 लाख रुपए की रेंज में कलेक्शन किया था। वही चौथे दिन फिल्म ने 4 करोड़ 14 लाख रुपए कमाए थे, तो 5वें दिन 3 करोड़ 87 लाख रुपए, वही 6ठे दिन 3 करोड़ 50 लाख रुपए। वही दोस्तों, ये फिल्म आज यानी कि अपने 7वें दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 3 करोड़ 20 लाख रुपए का कर रही है। इसी के साथ जरा हटके जरा बचके का शुरुआती 7 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 36 करोड़ 10 लाख का हो रहा है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 43 करोड़ 50 लाख रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 4 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए हैं। इसी के साथ जरा हटके जरा बचके का शुरुआती 7 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 48 करोड़ 30 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म 7 दिनों में दुनिया भर से 48 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है, और कल यानी कि अपने 8वें दिन यह फिल्म दुनिया भर में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब अगर बात करें अगले हफ्ते रिलीज होने जा रही हिंदुस्तान की सबसे महंगी फिल्म आदि पुरुष के बारे में, तो दोस्तों आदि पुरुष फिल्म का सेकंड ट्रेलर अभी 2 दिन पहले रिलीज हुआ था, जिसे भी पब्लिक ने काफी ज्यादा पसंद किया, और सेकंड ट्रेलर आने के बाद तो फिल्म के लिए जो पब्लिक के बीच में एक्साइटमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है अभी तक हिंदुस्तान में शुरू नहीं हुई, लेकिन विदेशों में इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को शुरू हुए 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर बात करें आदि पुरुष के अब तक के टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आदि पुरुष फिल्म ने सिर्फ यूएसए से एडवांस बुकिंग में $2,23,000 की कमाई की है, वही बाकी देशों से लगभग $1,17,000 की। यानी कि दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म ने रिलीज होने के 8 दिन पहले ही सिर्फ विदेशों से एडवांस बुकिंग में कमाई $3,40,000 की है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को रिलीज होने में 8 दिन बाकी और फिल्म ने अभी से ही सिर्फ विदेशों में 2 करोड़ 80 लाख रुपए की बुकिंग की है। बताया जा रहा है दोस्तों कि इस फिल्म के इंडिया में एडवांस बुकिंग कल या परसों से शुरू की जा सकती है, और जैसे ही इस फिल्म के इंडिया में एडवांस बुकिंग शुरू होगी, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, अब अगर बात करें बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी देओल सर की अपकमिंग फिल्म गदर एक प्रेम कथा के बारे में, जी हाँ दोस्तों, 2001 में गदर एक प्रेम कथा सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, और उस वक्त ये फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी थी। लेकिन दोस्तों, पूरे 22 साल बाद एक बार फिर से गदर एक प्रेम कथा कल से सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, और दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में काफी कम और लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि गदर की एडवांस बुकिंग 2 दिन पहले शुरू हुई थी, लेकिन काफी लिमिटेड सिनेमाघरों में,
यानी कि मुश्किल से 100-150 सिनेमा घरों में गदर एक प्रेम कथा रिलीज हो रही है अभी तक के हिसाब से। लेकिन बात करें कि इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में कितनी कमाई की, तो दोस्तों आपको बता दें कि गदर एक प्रेम कथा की जो फर्स्ट डे की एडवांस बुकिंग है वो हुई है सिर्फ 4 लाख रुपए की। वही इस फिल्म की शुक्रवार, शनिवार और रविवार यानी कि 3 दिनों के वीकेंड की जो एडवांस बुकिंग है वो हुई है 13 लाख रुपए की। तो दोस्तों यहां पर 22 साल पुरानी फिल्म होने के बाद भी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग अगर 13 लाख रुपए की हुई है तो कोई बुरी बुकिंग नहीं है। अब देखते हैं कि कल जब यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो पहले दिन कितनी कमाई कर पाती है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, गदर एक प्रेम कथा बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन री रिलीज होने के बावजूद भी कितनी कमाई करेगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और गदर के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।